नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज स्वागत करता हूं आपका HS न्यूज में। मित्रों, आज मैं कुछ खास कार्यक्रम लेके आया हूं और खास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए, क्योंकि पूजा पाठ तो हर व्यक्ति संपन्न करता है, लेकिन पूजा में छोटी सी गलती आपके पूजा का फल आपको नहीं प्राप्त होने देती है। आज इसी विषय की जानकारी हम आपको देंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से आपको अपने पूजा में एक छोटा सा बदलाव करके आप अपनी मनोकामनाओं को कैसे सिद्ध कराते हैं, मैं सिद्ध करके देने वाला हूं। पूजा पाठ से निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पूर्ण करा देता है पूजा पाठ। पूजा पाठ भजन से आत्मबल तथा आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। नित्य पूजा से निश्चित रूप से चंद्रमा ठीक होते हैं। चंद्रमा कैसे ठीक होते हैं? क्योंकि मन कारक चंद्रमा, जब हम मन को एकाग्रचित करके पूजा में बैठ जाते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। जब मन स्थिर होता है तो हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है। चंद्रमा जिसकी जन्म कुंडली में अच्छा होता है, निश्चित रूप से उसके मन की कामनाएं पूर्ण होने लगती है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली में पूजा करने से गुरु भी प्रभावित होता है। गुरु कैसे प्रभावित होता है? क्योंकि धर्म के मार्ग पे आप हैं तो बृहस्पति प्रभावित होता है, और बृहस्पति का अधिकार क्षेत्र क्या है? विद्या, बुद्धि तथा धर्म। बृहस्पति जब जब ठीक होता है आपको ज्ञानी बना देता है, बुद्धिमान बना देता है तथा धार्मिक बना देता है। गुरु ठीक होगा तो आपके घर के बच्चे भी अच्छे होंगे, क्योंकि आपको पूजा पाठ करते आपके बच्चे देखेंगे तो वो अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, उनका भी मन पूजा पाठ में लगेगा, धार्मिक कार्यक्रम में उनका मन लगेगा तो उनके मन में अधर्म की भावनाएं नहीं आएंगी। इसलिए भी पूजा पाठ बेहद आवश्यक है ताकि गुरु आपका ठीक हो सके। पूजा पाठ से सूर्य भी ठीक होता है। जन्म कुंडली काल चक्र की वह कुंडली जिसमें सूर्य को राजा कहा गया है, सूर्य को आत्मकारक कहा गया है, सूर्य भी ठीक हो जाता है। तो सूर्य ठीक होता है तो आपको क्या मिलता है? सूर्य सौर्यता को प्रदान करता है, सूर्य ऊर्जा को प्रदान करता है, सूर्य राज तंत्र से संबंध स्थापित कराता है, सूर्य राजनैतिक लाभ दिलाता है, साथ ही साथ सूर्य सुंदर संतान भी देता है। जब पूजा पाठ आप तन्मयता से संपन्न करते हैं तो आपका सूर्य अच्छा होता है। सूर्य अच्छा होता है तो उस जातक के घर में कुल का दीपक उत्पन्न होता है, और वह दीपक निश्चित रूप से उसके घर को ही प्रकाशित नहीं करता, पूरे समाज को प्रकाशित करता है। पूरे समाज को प्रकाशित करते हुए पूरे संसार में आपके कुल कीर्ति का उदय करता है। इसलिए पूजा पाठ सूर्य को ठीक करने के लिए बेहद आवश्यक होता है। शुक्र भी ठीक होता है पूजा पाठ से, क्योंकि शुक्र भोग का प्रतीक माना गया है, शुक्र समृद्धि का प्रतीक माना गया है। काल चक्र में शुक्र को पति पत्नी के रूप में देखा जाता है। काल चक्र जन्म कुंडली के अनुसार सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, तो पूजा पाठ करने से अधर्म नहीं होता है, पूजा पाठ से धर्म होता है। शुक्र क्योंकि चावल का प्रतीक है, शुक्र क्योंकि दूध का प्रतीक है, शुक्र क्योंकि पुष्पों का प्रतीक है, शुक्र क्योंकि सफेद चीजों का प्रतीक है, जैसे मिश्री या प्रसाद वगैरह, तो इन सब चीजों का पूजा में अगर हम प्रयोग करते हैं तो शुक्र अच्छा बनता है। हर दाम्पत्य जीवन वाला वह पति पत्नी चाहता है कि हमारा प्रेमी निश्चित रूप से हमारे साथ सुखमय रहे, तो आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए।
थोड़ा सा समय अपने सोने से जरूर निकाल लेना चाहिए। पूजा पाठ ईश्वरीय सत्ता के करीब ले जाता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति भी करा सकता है। पूजा पाठ से प्रकृति पुष्ट होती है। अब आपके पूजा पाठ से प्रकृति कैसे पुष्ट होगी? पेड़, वृक्ष, हरियाली, क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति केवल प्रकृति को पुष्ट ही करती है। जब पूजा पाठ करेंगे तो लोटे में रखा हुआ जल ले जाके तुलसी माता को चढ़ाएंगे, ले जाकर के नीम में चढ़ा के आएंगे, ले जाके पीपल में चढ़ा के आएंगे, कुछ यज्ञ करेंगे, यजन करेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। अगर बत्ती जलाएंगे तो उसका जो धुआं है उससे हमारे आस पास के वृक्ष प्रभावित होंगे, और जब वृक्ष प्रभावित होंगे तो वो पुष्ट होंगे, क्योंकि उन्हें पौष्टिकता मिलेगी। पौष्टिकता मिलेगी तो हमें निश्चित रूप से, प्राकृतिक रूप से वो बिल्कुल सुंदर बनाएंगे, मतलब आरोग्यमय बनाएंगे। पूजा पाठ से घर का माहौल सुंदर बनता है तथा परिवार में निश्चित रूप से संस्कार की अवधारणा बनती है। पूजा पाठ से घर की नकारात्मक ऊर्जा तथा बीमारियां दूर होती है। इसी पूजा पाठ में आसन का विशेष महत्व माना जाता है। जिस पे हम बैठ करके पूजा पाठ करते हैं वह आसन सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। आइए अब उसी आसन की बात करते हैं जो सिद्धि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि बिना आसन के पूजा आधी अधूरी मानी जाती है। ऐसा हमारे हिंदू संस्कारों में, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि पूजा पाठ के दौरान आसन बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या करना है, वह आसन आप कैसे रखें? अपने घर में जहाँ पूजा पाठ आपके घर में होती है वहाँ पे जब आप पूजा पाठ करने जाएं तो लाल रंग का या पीले रंग का आसन जरूर बिछा लें, क्योंकि पूजा पाठ बिना आसन के करेंगे तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पूजा पाठ का फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, उल्टा वह पूजा पाठ राक्षसों को मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, आसन को जरूर रखें, उस पे बैठ जाएं। एक जल पात्र भी होना चाहिए जिसमें जल हो। आप लोग जानते हैं पूजा पाठ करने वाले कि हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ बिना जल के होता ही नहीं है। पूजा पाठ करें देवी का, आप जो देवी माता के संपन्न करें, देवताओं के करें, किसी के भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पूजा पाठ के बाद क्या करें, यहाँ पे इसकी बात हम करते हैं। पूजा पाठ के बाद अपने आसन पे, आसन के नीचे जल डालना होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपके घर में कोई अभी स्वर्ण आभूषण जमीन के नीचे मिल जाए तो उसके अधिकारी आप नहीं हैं, क्योंकि उसका अधिकारी भारत की सरकार है। उसी प्रकार से इंद्र देवताओं के क्या हैं? इंद्र देवताओं के राजा। जब तक हम इंद्र का भाग नहीं निकालते तब तक पूजा पाठ का पूरा फल निश्चित रूप से नहीं प्राप्त होता है। तो क्या करना है, आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है। ऐसे अंगूठे से पहली उंगली को खींचेंगे तो ज्ञान मुद्रा को सीधा करके जल इसमें रख लेंगे, बोलेंगे ओम सं सक्राय नमः। उल्टे हाथ से आसन उठाएंगे, जल को आसन के नीचे डाल देंगे, इंद्र का स्थान सुरक्षित हो गया। लेकिन बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है, क्योंकि अब उस पूजा पाठ का फल आपको कैसे प्राप्त हो, उसके लिए रिंग फिंगर आप बाहर निकालें, आसन के नीचे जो आपने जल डाला है उस पे रिंग फिंगर रखें, थोड़ा सा जल लगा लें। अब आते हैं अज्ञा चक्षु पे। अज्ञा चक्षु है क्या? अज्ञा चक्षु हमारे मस्तिष्क की जो गांठ है, मतलब ब्रह्मांड, इस मस्तिष्क को ब्रह्मांड कहा जाता है। यह हमारे शरीर का पूरी तरह से गवर्नर है। यहीं से हाथ पैर आंख नाक सबको कमांड मिलती है, और उसकी वास्तव में ग्रंथि है अज्ञा चक्षु, जो आपके भव के बीच में है। वहाँ वो पूजा पाठ का जल उठा करके अपने अज्ञा चक्षु पे लगाएं,
और लगा करके बोलें, ओम सर्वकार्य सिद्ध्यै नमः। अब वह पूजा पाठ जो आपने किया है, यज्ञ यजन जो किया है, वह आपके ब्रह्म रग्न से होता हुआ आपके मस्तिष्क में जाएगा, आपके मस्तिष्क से होता हुआ आपके कार्यों में शामिल होगा, आपके कार्यों में शामिल होगा, तो आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके जीवन में हर प्रकार से उन्नति मिलेगी, आपके जीवन में हर प्रकार से समृद्धि मिलेगी। मित्रों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन एक और बात है मित्रों, यदि आप लोग अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं या आपके मन में कोई बातें घूम रही हैं जो कि आप HS न्यूज के थ्रू उसको साल्व कराना चाहते हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, नाम लिख करके कमेंट करें। हम आपके प्रश्न को जरूर लेंगे, छोटे से छोटा उपचार आपको देने का प्रयास करेंगे। हम आपकी जो भी समस्याएं हैं उसमें जरूर शामिल होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।